फोन पे वीडियो बस लग
निकलते हुए देखता
ये बंदा नेक है। अब इसकी रूह को कब्र के अंदर ले जाता है। अब वो कब्र के अंदर जब आए, देखे अगर किसी के जनाजे को किसी बंदे को मगरमच्छ खा गई, बम धमाके से उड़ गया, जला दिया, कई जानवरों ने खा लिया, तब भी जिस्म को सजा और अल्लाह की तरफ से नेक आमाल पर जो नेमतों का हुसूल होगा उसका असर जिस्म महसूस करेगा। इसकी मिसाल यूं समझी है कि आप के बराबर एक बंदा नींद कर रहा है, सोया हुआ है। अब वो नींद के अंदर कोई दरिया दजला के अंदर डूब रहा है या उससे कोई मार रहा है, वो नींद और ख्वाब में मार को महसूस कर रहा है, लेकिन आप बराबर में आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो जिस जानवर ने भी खाया होगा, तो अगर रूह को आजाद हो गया या रूह को कोई नेमत मिलेगी तो उस जानवर को नहीं पता चल गया जिसके अंदर वो जिस्म चला गया। बल्कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है जिसके अंदर हिस्सा अजायब उसमें हिस्सा मतलब हिस्सा है वो तकसीम मजीद नहीं हो सकता, तो उस पर सदा जजा रूह भी महसूस करेगी और जिस्म भी महसूस करेगा। तो सरकार के लिए साथ उसने फरमाया कि एक बंदे की रूह को कब्र में डाला जाता है और उसके बाद जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम नेक बंदे फिर कहा जाता है कि ये देख ये दोजख है, ये जहन्नम है। फिर उसे कहा जाएगा कि अगर तू अपने इम्तिहान में फेल होता और पास ना होता तो ये अजाब तेरे लिए होता, लेकिन अल्लाह के फजल से तू इस इम्तिहान में पास हो चुका है। अब उससे वो ज्यादा शुक्र अदा करेगा कि मौला तेरा शुक्र है कि मैं इस भड़क की आग जहन्नम से तेरी पना मांगता हूँ। फिर वो जहन्नम की खिड़की बंद कर दी जाएगी, फिर उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। फिर कहा जाएगा उसे कहा जाएगा कि ये जन्नत के दरवाजे और इसकी नेमतें तेरे लिए हैं। सरकार ने फिर उसी कब्र पर फरमाया कि अब बदकार गुनाहगार की रूह का मामला क्या होगा। फरमाया कि अल्लाह की बारगाह से अजाब कब्र से लोगों को पनाह मांगो। फरमाया जो बदकार की रूह होगी वो मलाइका जब रूह कब्ज करने के लिए आएगी तो रूह उसके जिस्म में भागी दौड़ेगी, उससे दर्दनाक तरीके से उसके रूह को कब्ज किया जाए और फरिश्ते जब उसकी रूह लेंगे तो पूरी दुनिया उसकी बदबू से बदबूदार हो जाएगी। फिर उसकी रूह को लेकर पहले आसमान के अंदर जाया जाएगा, दरवाजा खटखटाया जाएगा, सारे लोग उसकी बदबू से पनाह मांगेंगे और फिर वहां से आसमान से उसे फेंका जाएगा कि इसे सिज्जीन में फेंक दो और इसका दर्दनाक आजाब वही है। तो जब कब्र के अंदर उसे फेंका जाएगा तो फिर उसे उसके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। वो जो बदकार होगा गुनाहगार होगा कहा कि अगर तू नेक होता और जिस इम्तिहान के पास होता है और कब्र के मामला तेरे लिए सहल हो जाते तो ये जन्नत तेरे लिए जिसका अंबिया ने आकर तुझे समझाया वादा किया कि उसके वारिसीन उलमा ने आकर तुझे समझाया कि नेक बन जाओ कब्र की तैयारी करो लेकिन तू न माने, तुम्हें बार बार जिंदगी में मौका दिया लेकिन तुम गुनाहों से बाज ना आए और तुम्हें कहा गया कि अजाब कब्र से सरकार ने फरमाया था कि मतलब अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो लेकिन तुम ना सुधरे। अब भुगतो, ये जन्नत की खिड़कियां तुम पर बंद कर दी जाएंगी, दरवाजे बंद हो, अब दोजख की खिड़कियां तुम्हें खोली जा। अब कहा कि ये तेरे लिए, अब इस अजाब को भुगतो। अल्लाह तक करे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को सरदार वहां पर अश्कबार हुए और फरमाए कि लोगों अल्लाह की पनाह मांगो। फिर क्या होगा, कब्र उसे दबाएगी, उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे के ऊपर पेवर होंगे। सरकार ने फरमाया कि जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो वो तुम्हें देखता है, तुम्हें समझता है और जब बंदे उसकी अजीज कब्र में छोड़कर जाते हैं तो उसके कदमों की आवाज तक महसूस करता है। और फरमाया कि लोगों तुम अपने जानने वालों की कब्रों पर जाया करो कि अगर जानने वालों की कब्र में जाया जाता है बेटी को ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने जो ख्वाब में देखा।
लिबास में, जगत ही लिबास में। तो पूछा तो कौन है, कहा कि ख्वाजा साहब चंद दिन पहले मेरी माँ आपके पास दुआ के लिए आई थी। बोला उसने तो कहा था कि तुम तो किसी आजाब को गिरफ्तार हो, और ये क्या मामला है कि तुम्हें तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ, तुम्हें तो जगत ही लिबास में देख रहा हूँ। तो कहा कि ख्वाजा साहब बात ये है कि मैं तो आजाब में थी, एक अल्लाह बालक ने एक बंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरा और उसने एक मरतबा के लिए कहीं इस्लाम को सुना कर दुरूद शरीफ पढ़ा और दुरूद शरीफ का सवाब हम कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेक बंदे के एक मरतबा दुरूद पढ़ने की फजीलत और बरकत ये थी कि हमें 360 मुर्दों से अल्लाह तआला ने अज़ाब बता दिया और बख्श दिया, और हमें मेरा भी शुमार हो गया। लेकिन अल्लाह वाले की बरकत ये थी
तो जन्नतियों को जन्नतियों को कफन देता है। तो अंदाजा कीजिए कि मुर्दे से जिंदा को फायदा होता है और जिंदों से मुर्दा को फायदा होता है। इमाम जलालुद्दीन सिद्दीकी शाफी रहमतुल्लाह तआला लिखा कि फरिश्ते आए और एक मुर्दे को देखा, जब फौत गया तो उसके जिस्म को खोला, देखा कि कहीं नेकी नजर आ जाए, लेकिन कोई नेकी नजर नहीं आई, गुनाह थे। ये दो अंदाज में रिवायत आई है, एक का कल एक में तो ये लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसके जिस्म के मौजूदा, और एक इस अंदाज में किसी में रिवायत आई है शरू सुदूर के अंदर कि दो एक जहन्नम में लेकर जाने वाला फरिश्ता आया, एक जन्नत में लेकर जाने वाला फरिश्ता आया। जहन्नम में लेकर जाने वाला फरिश्ता ने कहा कि ये बंदा तो हमारा है, हम इसको जहन्नम में लेकर जाएंगे, और जन्नत में लेकर जाने वाला फरिश्ता आया उसने बोला ये बंदा हमारा है, हम लेकर जाएंगे। बोला चलो ठीक है भाई, आप भी देख लो, हम भी लेकर दे, जिसका बंदा होगा वो लेकर जाएगा। अब जहन्नम में लेकर जाने वाला फरिश्ता उसके जिस्म को देखता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, कोई नेकी की रोशनी नजर नहीं आई। तो बाहर आया, उसने कहा फरिश्ते को कि ये बंदा हमारा है, कसम कर रहा है, तो जाके देख लो। तो फरिश्ता जो था अल्लाह का हुक्म था, उसने देखा बाकी जिस्म के अंदर अंधेरा मौजूद है, कोई नेकी नजर नहीं आई। बाहर निकला, देख जन्नत में लेकर जाने वाले फरिश्ते ने जन्नत में लेकर जाने वाले को कहा कि वाकई अंधेरा है, गुनाहों का अंधेरा है, कोई नेकी मैंने दुनिया में नहीं की, अब इसको लेकर जाओ। लेकिन जब लेकर जाने लगता है तो जन्नत में लेकर जाने वाले फरिश्ते को अल्लाह का हुक्म पता है कि फिर देखो। उसने बोला रुको, पूरा जिस्म देख लिया है लेकिन एक चीज और देखना रह गई। बोला क्या? बोला इसके दोनों के अंदर जो ऊपर का हिस्सा जो तालू होता है, बोला ये मैंने चेक नहीं किया, ये मुझे देखने दो। जब अंदर गया और देखा तो तालू पर अल्लाह लिखा, तो बाहर निकला, जहन्नम में लेकर जाने वाले फरिश्ते को कहा कि इस बंदे ने एक मतलब महफिल में अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह ने अपने नाम की बरकत से इस गुनाहगार बंदे को वंचित कर दिया। यहाँ तक फरिश्ता ने फरमाया, एक बात ये थी कि उसको जब देखा जाता है, खोला जाता है, तो उसकी जबान में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है। वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी बात करके इंशाल्लाह वक्त मैं तो खत्म करते हैं। सरकार ने फरमाया तो तुम अपने गाँव में मुसलमान किसी बंदे की अगर तदफीन करो, उसको दफन करो। देखो आप निकाह करते हो तो इस्लामी तरीके से हम करते हैं, अगर कोई भी मामला सुनता हो तो इस्लाम ने तुम्हें सारा ज़ाब्ता हया दिया कि जिंदगी के जितने भी मामला के शरीयत और उलमा से रब्ता कर दिया मामला करें। यकीन मैं ये कहता किसी का झगड़ा हो जाता है, बोला हल तक के रईस बटे पर फैसलो रखो, हल तक पढ़ के चेयरमैन साहब पर फैसलो रखो, हल तक पढ़ के पूरा दुनियादार पर फैसलो रखो। मैं बोलता हूँ कि आपके पास उलमा नहीं, आपका फैसला जो उलमा करेंगे ना, ये सब कुछ चेयरमैन या रईस नहीं हो सकता। हाँ किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, सीधी बात है, कोई एक तो अगर बुरा ही होगा तो एक नहीं होगा। फसल वाला जिक्र कुतुल्ला ताला तो कहीं नहीं, तो बाहर से पूछो, कुरान कहता है। लेकिन हम किसके पास जाते हैं? हम तो खुद जो शराब पी रहा उसके पास फैसला करने के लिए जाते हैं, वो खुद जिसने कई जमीनों में कब्जे किए होते हैं हम उसके पास फैसले करके लिए जाते हैं। और हमने वही दुनियादारी मामला में फिर बिगड़ते और कब्र के अंदर मामला होते कि अपने बहन की जमीन में कब्जा कर लिया, हमने माँ बाप की जमीन और इस हिस्से में ये कर लिया, हमने वो कर लिया, क्यों? क्यों हमारे के पास है नहीं फैसला, कोई राजनीति हुआ किसी को क्या किया तो किसी को क्या किया। तो मेरे भाई के तौर शरीयत में सरकार ने फरमाया किसी की तदफीन करो, दफन करो, तो शरीयत के मामला को देखा करो कि हर तरीका जनाजा पढ़ते ना, सारी शरीयत के तरीके जनाजा उठाते, कब्र पे डालते, कफन देते, गुस्ल देते, ये सारी शरीयत ने बताया मामला। अब क्या होता है कि जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो आपने खुद ने देखा होगा गर्मी भी होती है, वही कितना प्यारा हो। अब तसव्वुर करें कैसे तपती धूप के अंदर, तपती रेत में, मिट्टी में उस मुर्दे को डाल दिया गया, पट्टे लगा दिए गए, पट्टी बंद कर दी गई, इतनी गर्मी कि पंखा अगर बंद हो जाए तो 10 मिनट के अंदर पसीने का सब अंदर खराब हो जाए, और मनो तनो मिट्टी के वक्त के अंदर आपने मुर्दे को दफन कर दिया, ये बंदा तो गर्मी से पिघल जाए। अब क्या होता है कि हम भागते हैं, अगर औरत है तो अगर उसकी
माँ का नाम याद नहीं है तो माँ हवा की तरह उसकी निस्बत कर डालो, कब्र पर खड़े होकर उसे कहो, आखिर में जब पट्टी बंद हो जाए उसे कहो कि याद कर कि तू दुनिया से जब रुखसत हुआ था, इसको तकलीफ कहते हैं, जब तू दुनिया से रुखसत हुआ था याद कर कि तेरा ईमान अल्लाह पर था और तेरा रब अल्लाह है। ये तेरा पहला सवाल का जवाब है। और दूसरा सवाल का जवाब उसी दिया जाए कि याद कर जब तू दुनिया से रुखसत हुआ था तो तेरा मजहब दीन इस्लाम है। और जब तीसरा सवाल से बताया जाए कि याद कर कि कुरान तेरा ईमान है और मोहम्मद अरबी तेरा नबी और रसूल है, ये चार बातों की तलकीन की जाए। देखिए आप आजान देते हैं ना ऊपर कब्र पर तो नमाज तो नहीं पढ़ते, फिर आजान क्यों देते हैं? ये इसीलिए देते हैं, हकीकत में आजान कब्र के लिए तलकीन है कि जब फरिश्ते उनका नकीर आते हैं तो पहला सवाल करते हैं रब को, कहते हैं रब कौन है? तो आजान देने वाला कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा गुप्ता देखता है, ये किसका नाम ले रहा है? ये तो मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। यहाँ सवाल कर रहा है कि रब को, कहते हैं रब कौन है? आजान वाला उसको बता रहा होता है क्योंकि गुप्ता सुनता है, गुप्ता समझता है, वो अल्लाह अकबर की सदा लगाता है, उल्टा रबी अल्लाह मेरा रब अल्लाह। और दूसरा सवाल रब दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो फिर उसे ये बताया जाता है। तो हम अच्छा आसान के अंदर उसके सवाल का जवाब मौजूद है। हम कहते हैं ना हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो इस्लाम वाहिद मजहब है जिसके अंदर नमाज कर दे। तो इससे पता चलता है मेरा वो दीन है कि जिसके अंदर ये नमाज की तलकीन कर रहा है। आज नमाज से भागते हैं, ये नमाज ही हमें छुड़ाएगी, ये नमाज ही हमें सवाल का जवाब देगी। तीसरा सवाल होगा हुजूर का ज्यारत दीदार करवाया जाएगा, पूछा जाएगा माँ तुम का तकुल हकी हाथ रजूल, इसके बारे में तू क्या अकीदा रखता था? फिर इसी सवाल के अंदर आजान देने वाला कहता है अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ये हुजूर का नाम सुनकर उसका जवाब देता है क्यों? कि शरू सूत्र में इमाम जलालुद्दीन सुयुती शाफी ने फरमाया कि शैतान मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ता। जब उनके नकीर सवालात के लिए आते हैं ना, वो कहते हैं रब को, कहते हैं रब कौन है? तो शैतान बराबर पर बैठ कर कहता है कि बोल मैं तेरा रब हूं, बोल मैं तेरा रब हूं, उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। तो आसान की बरकत यह जहां आसान होती है शैतान भाग जाता है। और दूसरी आसान की बरकत यह है कि उसे सवालात के जवाबात में आसानी होती है। अच्छा जब तुम कब्र पर खड़े होकर तलकीन दे दो, उसे नसीहतें कर दो, समझा दो, अब इसकी बरकत सुनो। सरकार ने फरमाया जब तुम गुर्दे को ये नसीहतें कर दोगे तो उसकी बरकत यह है। जब फरिश्ते सवालात से भी आते हैं ना, अब मिसाल के तौर पर बच्चे को बिठा दो इम्तिहान के लिए, उसे गाइड दे दो, बोला बेटा ये नकल करके सारे सवाल के जवाब लिख ले, अपने इम्तिहान लाए, बोला तुझसे इम्तिहान क्या दूं, तुझे तो सारे सवाल के जवाब पता है, तो इम्तिहान तो ना हुआ, तुझे तो सारी चीजें खोल कर दे दी। तो फरिश्ते हुजूर ने फरमाया कि जब फरिश्ते सवालात की आते हैं तो उसे मुर्दे को कहते हैं कि तुझसे अब सवालात हम क्या करें, इन लोगों ने जो तुझे सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो उसकी उसकी अल्लाह तबारक व तआला तलकीन की बरकत से मुर्दे की बख्शिश करा रहा है। तो अपनी ये आदत बनाए कि जब भी नमाज जनाजे में किसकी भी शिरकत करे, आप कहीं भी करें, शर्म महसूस न करे। और ये चलो कि अल्लाह छाप मतलब ये कब्र का गला है तो नहीं, ये पर दीन है, हमें इस्लाम बता रहा है। यार आपकी थोड़ी सी मेहनत और मदद उस मुर्दे की बख्शिश का सबब बन सकती है। तो वहां खड़े हो गए। और किसी बुजुर्ग ने शरूफ को मैंने पढ़ा था कि किसी बुजुर्ग ने जिंदगी भर तलकीन की, उस मुर्दे को हमेशा तलकीन की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आदत है, मैं तलकीन करता हूँ जहां भी होता हूँ, कभी भी कब्रस्तान होता हूँ। तो वहां पर उस बुजुर्ग के बारे में कि वो मोमिन मुसलमानों को तलकीन क्या करता था, जब वो फौत हो गया तो अब उसकी बारी है खुद की, क्या है रखो का उसने बोला तो उसे कुछ तो बना रखो ने, मैं जिंदगी भर दुनिया को नसीहतें करता रहा कि रब अल्लाह है, तो उससे कुछ तो इस्लाम मजहब है, मैं दुनिया में लोगों को कहता था और मरने के बाद तलकीन करता था कि हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा कुरान ईमान है, मोहम्मद अरबी हमारा नबी है। और जब अल्लाह वादा होता है ना मुस्तफा जाने रहमत बाद को सलाम जिसका सलाम पढ़ते हैं, तो जब आशिक रसूल का मतलब वाकया होगा तो वो सैयदी आला से फरमाते हैं मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रजा, कुछ सी फरिश्ते फरिश्ते पूछे कि रजा से खबर क्या कहता है इसके बारे में, हुजूर के बारे में क्या कहता रखता था, उससे खिदमत